Hello children, I am Bhavna Saxena from Lyal Public School. Today we are going to start chapter number 4, the verb of English grammar. What is verb? All action words are called verb. Running, sleeping, playing, do. Okay, let's start the chapter now. First sentence is fire burns. Burns is verb. Raman laughs. Laughs verb. The sun shines in the sky. Sun जो है वो sky में shine कर रहा है. तो इसमें जो shines है वो verb है. Fourth sentence में barks. The dog barks at the cow. Dog क्या कर रहा है? वो action है उसका barks. So वो जो है हमारा barks जो है वो verb है. The train runs on rails. Train rails पे दौड़ रही है, रन कर रही है. इसमें जो रन है वो हमारा वर्ब है. फिश स्विम. फिश इस टाइम क्या वर्ब कर रही है? वो स्विम कर रही है. तो इसमें जो स्विम है वो हमारा वर्ब है. ओके, वर्ड्स विच शो समथिंग बीइंग डन और एन एक्शन आर कॉल्ड वर्ब्स. अकॉर्डिंग टू दीज सेंटेंसेस, जो वर्ड्स हमको ये बताते हैं कि क्या एक्शन हो रहा है वो वर्ब कहलाते हैं. ऑल डूइंग वर्ड्स आर वर्ब्स. जितने भी वर्ड्स है सेंटेंस में, सब्जेक्ट क्या कर रहा है वो वर्ड्स जो है वो वर्ब कहलाते हैं. अ वर्ब इज अ वर्ड विच से समथिंग. ऑल सेइंग और डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स. हम इसकी डेफिनेशन इस तरह से ले सकते हैं, ऑल सेइंग और डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स. जो वर्ड्स जो है सेंटेंस में हमको ये बताते हैं क्या हो रहा है वो वर्ब्स कहलाते हैं. ओके, द वर्ड्स इज, आर, वाज, वर आर ऑल हेल्पिंग वर्ब्स. जो हमारा मेन वर्ब होता है उसके साथ हम ये जो फोर वर्ड्स लगाते हैं, इज, आर, वाज, वर, ये हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइजेस. Exercise number 1. Pick out the verbs in the following sentences. हमें 9 sentences दिए गए हैं, उसमें से हमें verb को pick करना है with helping verb. Okay? First is the dog is barking at the thief. इस sentence में जो dog है वो क्या कर रहा है? बार्क कर रहा है थीफ के ऊपर. तो हम विद हेल्पिंग वर्ब लेंगे इज बार्किंग. ओके, सेकंड सेंटेंस इज द सन वाज सेटिंग व्हेन वी रीच्ड होम. इसमें हमें जो द सन है हमारा सब्जेक्ट है और उसका वर्ब क्या है? वाज सेटिंग. तो हम इसमें वाज हमारा हेल्पिंग वर्ब है और सेटिंग जो हमारा वो है मेन वर्ब है. नंबर 3, द पियान इज रिंगिंग द बेल. पियान क्या कर रहा है? बेल रिंग कर रहा है. इज हेल्पिंग वर्ब, रिंगिंग मेन वर्ब. नंबर 4, द स्टार्स आर शाइनिंग इन द स्काई. स्टार्स स्काई में क्या कर रहे हैं? शाइनिंग. आर जो है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है और शाइनिंग हमारा मेन वर्ब है. आर शाइनिंग. नंबर 5, माय आंट वाज ड्राइविंग द कार अलोंग द रोड. आंट क्या कर रही है? कार ड्राइव कर रही है, कर रही थी. वाज, was driving, was इसमें हमारा helping verb है. Number 6, children were playing with their friends. Children क्या कर रहे थे? खेल रहे थे अपने friends के साथ. Were helping verb है, playing main verb है. Number 7, the girls are swinging in the park. Girls park में, swinging means झूला झूल रही हैं. तो are swinging, are helping verb है हमारा और swinging जो है हमारा main verb है. Number 8, the hunter is shooting in the forest. Hunter forest में क्या कर रहा है? Shooting. Is shooting. The boys were playing in the park yesterday. Boys कल पार्क में क्या कर रहे थे? Were playing. वो खेल रहे थे. Were helping verb and playing हमारा main verb. Exercise number 2, choose the right word from those in the brackets and underline it. हमें ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनमें हमें सेंटेंस के अकॉर्डिंग चूज करना है और अंडरलाइन करना है. फर्स्ट इज द बेल. टॉक्स, रिंग्स, डांसेस. बेल क्या कर रही है? रिंग कर रही है. हम रिंग्स के नीचे अंडरलाइन करेंगे. रिंग्स इज राइट आंसर. नंबर 2, शिप्स डैश अक्रॉस द ओशियन.
float, swim, sail. Ship क्या करता है? Sail. Sail को underline करेंगे. Next is number 3, birds dash nest. Bird क्या करती हैं? Build. Break, paint, build. Right answer is build. Number 4, aeroplanes dash very fast. Run, walk, fly. Aeroplane क्या करता है? Fly करता है. The right answer is fly. Number 5, the team dash by 4 goals. Wins, won, winning. Team जो है वो 4 goals से जीती. तो answer है 1. Number 6, the camel can dash a heavy load. Camel heavy load क्या करता है? Carry करता है. The last right answer is carry. Give, take, carry. हमें 3 options दिए गए हैं. Carry is right answer. Number 7, Tom is dash a tree. Tom जो है वो tree पर क्या कर रहा है? चढ़ रहा है. Answer is climbing. Running, climbing, walking. Answer is climbing. Number 8, the woman is dash the floor with the broom. Woman जो है इस picture में क्या कर रही है? Broom से sweep कर रही है floor को. Painting, sweeping, building. वो sweeping. Number 9, my paper boat dash down the stream. पेपर बोट क्या कर रही है? फ्लोट कर रही है. फ्लोटेड. नंबर 10, रिवर्स डैश इनटू द सी. रिवर क्या करती है? फ्लो करती है. आंसर इज फ्लो. नाउ एक्सरसाइज नंबर 3, चूज फ्रॉम लिस्ट बी द वर्ब ऑफ अपोजिट मीनिंग इन लिस्ट ए. द वर्ब फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू. हमें इसमें अपोजिट्स दिए गए हैं. ए एंड बी कॉलम बना के हमको इनको मैच करना है. ओके, फर्स्ट इज गिव. गिव का अपोजिट है टेक. सेकंड इज बिगिन. बिगिन मींस शुरू होना. इसका अपोजिट है फिनिश. नंबर 3, राइज. राइज का अपोजिट है सेट. नेक्स्ट नंबर 4, लिव. इसका अपोजिट है डाई. नेक्स्ट नंबर 5, अराइव. अराइव का अपोजिट है लीव. नंबर 6, लॉस. इसका अपोजिट है फाइंड. नेक्स्ट रिमेंबर. रिमेंबर मींस याद करना. फॉरगेट मतलब भूल जाना. नंबर 8, वर्क. अपोजिट इज प्ले. नंबर 9, कैच. कैच मींस पकड़ना. अपोजिट इज थ्रो. थ्रो मींस फेंकना. फॉलो. फॉलो का अपोजिट है लीड. ओके, नाउ आवर चैप्टर नंबर 4, द वर्ब इज कंप्लीटेड. नाउ इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है एंड डू योर वर्क नीटली. ओके, थैंक यू.